और यूपी एटीएस की टीम ने फिर अतीक अशरफ पर कसा शिकंजा। माफिया अतीक और अशरफ से फिर कर रही है पूछताछ। पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी असलहों को लेकर जुटाएगी जानकारी। धूमनगंज थाने में हो रही है पूछताछ। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ जो है अब पूछताछ कर रही है, पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी असलहों को लेकर जानकारी जुटाएगी एसटीएफ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और यूपी एटीएस की टीम ने अतीक अशरफ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी असलहों को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। धूमनगंज थाने में हो रही है ये पूछताछ। तो एटीएस की टीम धूमनगंज थाने में पूछताछ कर रही है अतीक अहमद और अशरफ अहमद से। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विशाल, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, अब अपडेट क्या है? देखिए आपको बता दें कि यूपी एटीएस की टीम जो है वो लगातार जो है पूछताछ कर रही है, चूंकि तमाम तरह के जो लिंक्स निकले थे, खासतौर से आईएसआई का जो लिंक था, इसके साथ साथ जो तमाम ये कहा जा रहा है कि उसके जो आतंकी कनेक्शन थे, उन सब चीज़ों पर फिलहाल जो है यूपी एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल लगातार एक के बाद एक जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो अब यूपी एटीएस जो है वो अब खंगाल रही है। और इसी कड़ी में यूपी एटीएस की टीम जो है वो धूमनगंज थाने पहुँची हुई है और एक एक करके जो है तमाम चीज़ों पर जो है पूछताछ की जा रही है। तमाम जो उसके विदेशी कनेक्शन थे, इसके साथ हथियार कहां से आए थे और कौन कौन उसके मददगार हैं, आईएसआई के कौन कौन व्यक्ति जो है उससे मिला था, कब कब ये मुलाकात हुई थी, इन सब तमाम सवालों के जवाब जो है वो यूपी एटीएस जो है तलाशने में जुटी हुई है। और इस वक्त धूमनगंज थाने में ही यूपी एटीएस मौजूद है। ऐसे में लगातार यूपी एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ करने के लिए यहां पर 1:15 बजे पहुंची थी और अभी भी लगातार ये पूछताछ जो है वो जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूपी पुलिस जो है वो तो पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। विशाल, यूपी एटीएस की टीम तो पूछताछ कर रही है, कुछ अंदर खाने से खबर मिल पा रही है? अंदर अतीक और अशरफ के हाव-भाव क्या हैं अभी इस वक्त, क्योंकि आज का दिन अब सुपुर्द-ए-खाक किया गया असद को, और उसके साथ ही साथ अंदर सवाल जवाब क्या हो रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए आप ठीक सामने देख सकते हैं कि यूपी एटीएस की जो गाड़ी है वो आपको दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ चूंकि टीम जो है वो अंदर ही मौजूद है, मैं धूमनगंज थाने पर ही मौजूद हूं, तो ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद जो है ज़रूरी है देखने के लिए, क्योंकि अभी भी अतीक और अशरफ जिस इलाके में अपना दहशत फैलाते थे, अपना साम्राज्य खड़ा किया था, आज उसी इलाके में एक मुजरिम की तरह जो है वो आज बोरे पर बैठे हैं, बोरे पर सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यही वजह है कि यूपी एटीएस जो है तमाम तरह की जो राज है वो गलवा रही है। तो फिलहाल यूपी एटीएस की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और ये माना जा सकता है कि अभी अगले कुछ घंटों तक यूपी एटीएस की टीम जो है पूछताछ करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करेगी और यूएपीपी के तहत जो है ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।